Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Discuss करेंगे टीचिंग मेथड्स. चैप्टर 6 रहेगा ये CDP फुल कोर्स में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो अपना कोर्स है शाम में 9 बजे का. तो इसको डिस्कस करेंगे. टीचिंग मेथड्स में कुछ 10 मेथड्स को हम आज डिस्कस करेंगे और कुछ इतने ही 10 to 13 मेथड्स को हम कल डिस्कस करेंगे. और इनसे रिलेटेड वन लाइनर क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं उनको फिर हम डिस्कस कर लेंगे परसों वाले सेशन में. एक बड़ा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है, समझना ज़रूरी है. डायरेक्टली से ज़्यादा इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे पुट कर लिए जाते हैं. अगर आपकी समझ बेहतर है तो आप पेडागॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से डील कर लेते हैं. तो एक तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम जितने भी लोग जुड़ चुके हैं. और बिल्कुल ऑडियो वीडियो एकदम ठीक होगा. अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, उस चक्कर में बफरिंग और वो सब का सामना करना पड़ रहा होगा. हाँ, फटाफट से बताएं, ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है और स्टार्ट करें. बिल्कुल प्रणाम है सभी को, धर्मेंद्र. हाँ, फीलिंग गुड, बहुत बढ़िया. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सेशन. और ये कुछ 10 मेथड्स होंगे, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे. सबसे पहले देखेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड, मतलब कहानी कथन विधि. फिर है आपका टेक्स्ट बुक मेथड जो आप अपनी बुक से पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं. फिर लेक्चर मेथड है, देन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड. फिर हम क्वेश्चन आंसर मेथड को करेंगे, एक सीक्वेंस में है ये, उसको अभी समझेंगे कि इनको किस सीक्वेंस में क्यों डाला गया है. फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कशन मेथड की. फिर आपका ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि जिसको हम कहते हैं, और प्रोजेक्ट मेथड जिसको हम परियोजना विधि कहते हैं, जहां पर मेथड से रिलेटेड व्यक्ति जिन्होंने दिया है, प्रोपाउंडर हैं, उनके नाम की जरूरत होगी, उनको डिस्कस करेंगे और एक प्रॉपर डिस्कशन, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे. चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ एकदम सब कुछ क्लीन है. ऑडियो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट मेथड से आज के लिए. एक सेकेंड रुके, ठीक है, एकदम ऑडियो वीडियो. तो फर्स्ट मेथड है हमारा स्टोरी टेलिंग मेथड. इसको इमेज को हटाएंगे और थोड़ा सा शुरू करेंगे. आप समझते जाएं और नोट्स का अगर इशू हो तो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी, नहीं तो एक पुराना वीडियो है उसमें पीपीटी के थ्रू नोट्स बने हुए हैं. बाकी आप ये सब भी नोट कर सकते हैं साथ में. स्टार्ट करते हैं. पहला मेथड होगा आज के लिए, फर्स्ट मेथड है स्टोरी टेलिंग. अच्छा, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि मेथड्स हैं क्या. स्टोरी टेलिंग को तब स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं आखिर हम मेथड पढ़ते क्यों हैं. मेथड क्या है, बेसिकली एक टूल की तरह है. आपके हाथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कोई भी मैकेनिक है या कोई भी पेंटर है तो वो एकदम जो कैनवस है उसको एकदम बहुत अच्छा सा बनाता है कोई पेंटिंग, उस तरह से टीचर के हाथ में क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं. अब ये डिपेंड करेगा आपकी एबिलिटी पर. ये मेथड्स क्या है, एक तरीका हो सकता है आपके लेसन को प्रेजेंट करने का, वेज हो सकते हैं जिनमें आप प्रेजेंट करें, ठीक है. अब ये जो मेथड्स हैं ये टूल्स की तरह हैं जिनसे आप लेसन को प्रेजेंट करेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिबल बनाएंगे बच्चे के लिए, ठीक है. दूसरी एक चीज़, हर एक मेथड का अपना कुछ एक नेगेटिव है, अपना कुछ एक पॉजिटिव है, और ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही हैं. डिपेंड करता है जो टीचर है उसकी क्या एबिलिटी है, क्या नेचर है बच्चे की, एज, क्लास, कौन सी जो नेचर ऑफ एक्टिविटी या टॉपिक जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड अपनाएंगे या वेरियस मेथड्स को एक साथ आप मर्ज भी कर लेते हैं कई बार. तो ये मेथड्स क्या हैं, टूल्स हैं जिनको हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे यूज़ कर पाएंगे और बच्चे के एज के अनुसार, उसकी मनोदशा के अनुसार, हम टॉपिक के अनुसार अलग अलग मेथड्स को चूज़ करते हैं. ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मेथड बेस्ट है या सिर्फ एक मेथड खराब है. कोई भी मेथड हो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरह से ही खराब हो, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा. और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अब. तो मेथड्स क्या है, प्रेजेंट करने का एक तरीका है, वेज हैं, टूल्स हैं, जिसको आप प्रेजेंट किस बेसिस पे करते हैं, बच्चे की एज, आपकी आपका एप्टीट्यूड टीचिंग का, और जो भी बाकी दशा या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं क्लासरूम में. बिल्कुल, हाँ. स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी कथन विधि, देखेंगे इसको कहानी कथन विधि कह सकते हैं, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड कहेंगे इसको. इसमें क्या है, बेसिकली ये हम सभी ने ऐसे अपनी दादी, नानी और पता नहीं किन किन लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा टीचिंग क्लासरूम में भी. उससे पहले बचपन से ही हमारा इंटरेस्ट होता है कहानियों में. हम बहुत सारी बुक्स भी पढ़वाने को देते हैं बच्चों को, जिनको बाल साहित्य का रूप हम कह देते हैं. इसके अलावा दादी नानी की कहानियाँ आपने शायद सुनी हो, शायद ना सुनी हो, बट उनका जो वे होता है वो गजब का होता है. आपकी इमेजिनेशन डेवलप होनी शुरू होती है वहीं से. दूसरा, इसके अलावा आपका जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो डेवलप होगा. मैं लिखती रहती हूँ साथ में, कभी आप भूल जाएं. और मैं भी बहुत सारी कहानियां सुनाती रहती हूँ, मेरे जो सर हैं वो भी कहानियां सुनाते रहते हैं. और कहानी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी टीचिंग में. अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं. देखते हैं कुछ चीज़ों को स्टोरी टेलिंग मैथड से रिलेटेड। बिल्कुल स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको नोट्स की फॉर्म में भी कुछ कुछ मिल जाए। देखो एक तो क्या होगा आपका फोकस या जिसको हम कंसंट्रेशन कह सकते हैं वो डेवलप होगा। दूसरा इमेजिनेशन पावर जो है, जो कल्पना शक्ति है जिसको हम कहते हैं, इमेजिनेशन डेवलप होगी। जब आपको परियों की कहानी सुनाई जा रही है या कोई साइंटिफिक भी सुनाई जा रही है तो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में वो पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। मान लीजिए कोई नॉवल भी पढ़ रहे हैं आप, उसमें भी एक स्टोरी है। मान लो अब्दुल कलाम का कोई नॉवल था या कोई भी आप अच्छा कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो राइटर इस तरह से बांधता है कहानी को कि आपके दिमाग में पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो इमेजिनेशन की पावर है वो बेहतर बनती है, फोकस और कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका पूरा उस टाइम पर। और क्या है आपकी वोकैबलरी, वोकैबलरी बेहतर होती है, जो आपका वर्ण भंडार कहें या शब्द भंडार कहें जिसको, वो बेहतर होगा। इसके अलावा मैं तो नानी से रामायण सीख चुका था, बिल्कुल सभी ने सुनी है, हमने सबने सुनी है। तो वोकैबलरी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन होगा, इमेजिनेशन पावर आएगी। दूसरा इंटरेस्ट डेवलप होगा चीज़ों को लेकर के। अब ये कहानियाँ किसके विषय में हो सकती हैं? जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं हमारे यहाँ उनके विषय में हो सकती हैं, साइंटिस्ट के विषय में हो सकती हैं, किसी एक खोज के विषय में हो सकती हैं। एल्वा एडिसन की कहानी आपने बचपन में सभी ने नोटबुक में देखी होगी, किस तरह से उन्होंने इन्वेंशन किया और किस तरह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, क्या चीज़ें रहीं वो सब। इसके अलावा साइंटिस्ट की हो सकती हैं, सोशलिस्ट गांधी जी या बहुत सारे ऐसे लोग, सिर्फ एक कोई नहीं, इतने सारे लोगों की हो सकती हैं जिन्होंने कुछ बदलाव लाया, और कुछ इमेजिनेटिव भी हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा दिमाग एक्टिव होगा, उसकी जो थिंकिंग पावर है, रीजनिंग भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी। ठीक है, हालांकि स्टोरी टेलिंग में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रीजनिंग लगे, कई बार इतनी काल्पनिक होती हैं चीज़ें कि रीज़न कुछ कर नहीं पाता, बट स्टिल वी कैन इम्प्रूव। ठीक है, तो इस स्थिति में ये कहानियाँ अलग अलग तरह की हो सकती हैं, वोकैब बिल्ड होगी, इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात अब एज अ टीचर आपके सामने चैलेंज क्या होगा, ये सब तो पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अगर आप ऐसी कहानी सुना पा रहे हैं, आपकी जो कला है कहानी की वो ऐसी होनी चाहिए कि वो बांध पाए बच्चों को, या जहाँ पर भी आप मौजूद हैं अपनी बात आप उस तरह से कह पा रहे हैं कि कनेक्ट कर पाए, इंटरेस्ट डेवलप हो। और जो कहानी हो, जैसे हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और हम कोई बात कर रहे हैं कि अच्छा हम ऐसे नहीं रहते, या कोई भी एग्जाम्पल मैं बहुत बार देती रहती हूँ इधर उधर के, तो उससे क्या है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ भी एग्जाम्पल है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है हमारे टॉपिक से। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आप पूरी दुनिया के कोई भी गाथा सुनाइए लेकिन उसे टॉपिक पर ला करके रोकिए। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर आपने टॉपिक से कनेक्ट किया तो वो टॉपिक भी क्लियर होगा और वो भूलेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें जो आप अब तक नोट डाउन कर चुके होंगे। बहुत बढ़िया, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहना और शेयर भी कर दो। जो लोग आज सोते हुए रह गए मंडे को उनके साथ, ऐसे आज का लाइक टारगेट रहेगा। बहुत टाइम हो गया, जमाने हो गए टारगेट रखे 3000, कल तक 3000 लाइक्स, बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है। तो हाँ, स्टोरी टेलिंग को हमने समझ लिया। देखिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब बहुत पुरानी विधि है, जब से ह्यूमन बीइंग्स हैं तब से ही चली आ रही है शायद, और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो बहुत बेहतर या कहानी कह सकते हैं। हमारी सबकी एक कहानी होती है। ये इतनी सारी किताबें, इतना सारा मीडिया, इतनी सारी मूवीज किस बेसिस पे चल रही हैं? स्टोरी टेलिंग पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, आप पर डिपेंड करेगा आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। आपको टाइम का भी ख्याल रखना है, आपको इसे यूज़ भी करना है, आपको इफेक्टिवली भी यूज़ करना है इसको, बेहतर प्रभावी तरीके से। ठीक है, तो एक तो बात ये हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी टेलिंग में यही चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी और हम कर चुके हैं। एक तो टॉपिक से रिलेटेड हो। काश की लाइक का ऑप्शन बहुत बार होता है, अरे कोई नहीं, ये फन के लिए है, ये एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा इसको दिल पे लेना मत। 3 के लाइक्स कल देखते हैं होते हैं या नहीं, और हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट मैथड पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट मैथड पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट मैथड क्या है? टेक्स्ट बुक मैथड। टेक्स्ट बुक मैथड, और हम मॉरल वैल्यूज से भी कनेक्ट कर सकते हैं स्टोरीज, मतलब बच्चों में नैतिकता आएगी अगर हम कहानियाँ उस तरह की सुना रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहानियाँ कैसी सुनाते हैं या जुड़े हुए कैसी कहानियों से हैं। दूसरे मेथड पर आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड। बहुत पुरानी विधि है, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि हम पर बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कहानी विधि का। और दूसरा एक चीज़, इससे जुड़ा हुआ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि कहा जा सके कि स्टोरी टेलिंग किसी एक व्यक्ति ने दिया था, तो जहाँ पर नाम नहीं बताया जा रहा तो आप समझ लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो मेथड, एक जनरल फिनोमिना होगा। सेकंड पर बढ़ेंगे, सेकंड है हमारा टेक्स्ट बुक मेथड। अभी तो ये बहुत पतला चल रहा है। टेक्स्ट बुक मैथड मतलब कि हमारी जो वो किताब वाली जो कहानी है, जो पुस्तक विधि जिसको हम कह सकते हैं। अब पुस्तक विधि जो मेथड्स हैं उनमें कुछ मेथड्स टीचर सेंटर्ड होते हैं, कुछ मेथड जो हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, कुछ एक्टिविटी सेंटर्ड होते हैं, कुछ आपका अलग अलग कुछ सोचने थिंकिंग स्किल्स पर ज़्यादा होते हैं। तो टीचर सेंटर्ड वो मेथड जहाँ टीचर ज़्यादा एक्टिव हो, चाइल्ड सेंटर्ड वो जहाँ पर बच्चों को फ्रीडम हो अपने आप से एक्टिविटीज़ करने की। तो ये दो चीज़ें आप अपने हिसाब से जोड़ते रहेंगे। स्टोरी टेलिंग में क्या है, टीचर ज़्यादा एक्टिव है लेकिन बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है। टेक्स्ट बुक मेथड फिर से ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड है, ये भी इसको हम टीचर सेंटर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है, या टेलिंग मेथड्स में डाल सकते हैं अगर चाहें तो। टेक्स्ट बुक मेथड क्या है, आप क्लास में देखते हैं जब से टेक्स्ट बुक बनी है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकली एनहेंस्ड वे में बनाई जाती है। जैसे एनसीईआरटी भी है, अगर वो टेक्स्ट बुक बनाता है तो वो किस बेसिस पे बनाएगा, बच्चे की एज का ध्यान रख के, बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रख के, इसलिए पिक्चर्स वगैरह ऐड की जाती हैं। इसके अलावा जो बेसिकली उसका सोचने का तरीका हो सकता है, एक्सरसाइज हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी बुक्स में, वो बच्चे के क्लास उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट बनाने के लिए डाली जाती हैं। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो टीचर पढ़ करके सुनाए और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताता हुआ चले, हाईलाइट करता हुआ चले। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चों को लाउड रीडिंग या साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहा जाए, जिससे उनकी कॉम्प्रिहेंशन की जो पावर है या जो उनका एबिलिटी है समझने की क्षमता वो बेहतर हो सके। क्योंकि टेक्स्ट बुक मेथड कहीं ना कहीं स्वायत्त भी बना रहा है बच्चे को, मतलब ऑटोनॉमी में भी लेकर के जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक से अगर आप खुद समझ पाएंगे, आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बेहतर हुआ है, तो आप इंडिविजुअली भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीचर ही तैयार खड़ा हो तभी सीखें, ठीक है। तो आप इतनी सारी बुक्स को स्टडी करते हैं तो ये अपने आप में बेनिफिशियल है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब देखो, इन सब का डीमेरिट हो सकता है, वो आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझते चलें। जैसे स्टोरी टेलिंग है, तो अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं हुई, बहुत बोरिंग हुई, बहुत लंबी हुई, तो क्या होगा, टायरसम प्रोसेस हो जाएगा, उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। टेक्स्ट बुक का क्या हो सकता है कि भाई बोरिंग हो जाए या बच्चे समझ ना पाए, आप अपने अनुसार चला रहे हो, है ना। इस तरह के इनके नेगेटिव्स या डीमेरिट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में टूल्स हैं, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ेंगे, लेक्चर मेथड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चर मेथड से, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में किसी मेथड से आते हैं तो वो लेक्चर मेथड है। बिल्कुल, देखिए चैट पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा इस समय, समझ लीजिएगा ये काम के हैं। लाइक टारगेट 3000, ठीक है। अब इसको कर देते हैं साइड, जो भी आए लाइक करते चले जाना। देखो अब यहाँ पे हम आते हैं लेक्चर मेथड पर। लेक्चर मेथड जिसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं, व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड। इसका एक और नाम है चॉक एंड टॉक मेथड, चॉक एंड टॉक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड भी कह देते हैं ऐसे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक, हमेशा से चला आ रहा है, और फिर से वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब बहुत पुराने मेथड्स में से एक है, जैसे स्टोरी टेलिंग है। चॉक एंड टॉक क्यों कहा जाता है, मान लो ये चॉक है और यहाँ मैं टॉक कर रही हूँ, मतलब बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो चॉक एंड टॉक मतलब इसमें चॉक और टॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरा, ट्रेडिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब से भी ह्यूमन काइंड है, चाहे वो गुरुकुल हो या उससे पहले का भी टाइम हो, लेक्चर या व्याख्यान बहुत समय से चलता आ रहा है, हमेशा से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड है, इसमें टीचर की भूमिका ज़्यादा है बच्चों से। हालांकि आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्टिव कौन हुआ, टीचर। तो टीचर के अनुसार चलेगी यहाँ कक्षा ज़्यादातर, ठीक। हाँ, वॉक एंड टॉक नहीं, चॉक एंड टॉक, ठीक है। तो चॉक एंड टॉक, और यहाँ पे पहले शुरुआत में तो जब बुक्स भी नहीं थी या चॉक एंड टॉक वाला भी सिस्टम, चॉक वाला नहीं था, तब सिर्फ टॉक से चलता था ये। इस मेथड में ज़रूरी नहीं है कि आप किताबों की मदद लेके, नोट्स की मदद लेकर के लेक्चर दें, हालांकि ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग से एक डिस्कशन में व्याख्यान करें किसी भी एक टॉपिक पर। कैसा होना चाहिए ये लेक्चर मेथड, होना कैसा चाहिए ये आपने लिख लिया होगा। चॉक एंड टॉक कहा जाता है, ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है, और ये एक तो सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल हो, और दूसरा इम्प्रेसिव हो, इम्प्रेसिव कह सकते हैं, या जो कनेक्ट करने वाला हो, ठीक है, जिससे अटेंशन बना रहे बच्चे का, ठीक है। सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक वे में चले। भाई हमें आज 10 मेथड डिस्कस करने हैं, तो पहले हमने ये किया, ये शुरुआत के जो मेथड्स हैं ये क्या हैं, आपके ज़्यादातर टीचर सेंटर्ड हैं। फिर जब हम ह्यूरिस्टिक पर और बाकी विधि आपको दिखाई देती हूँ एक बार, जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड से आगे बढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे ज़्यादा एक्टिव मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्या एक सिस्टमैटिक वे में हमने आज का जो सेशन है, जो लेक्चर है पूरा, उसको तैयार किया है। ठीक है, तो ये एक बात हुई, सिस्टमैटिक हो, एक सिस्टम से चले कि भाई इसके बाद ये इजी टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है, नोन टू अननोन की तरफ जाएगा। एक लॉजिक हो उस बात में कि आप क्या चीज़ कहाँ कैसे करा रहे हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। इंप्रेसिव हो, थोड़ा आप जोड़ के रख पाएं क्लास को, ऐसा ना हो आधे बच्चे ध्यान दे पा रहे हैं आधे बच्चे सो गए, ये नहीं होना चाहिए। कई लोग कॉमेंट ही करते रह गए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डीमेरिट्स इसका ध्यान में रखना ज़रूरी है। मेरिट क्या है फिर इसका, मतलब इसका फायदा क्या है, क्यों यूज करते हैं इसमें जब ये इतना बोरिंग है और सिर्फ टीचर सेंटर्ड ही है। तो आप एक तो इसको इफेक्टिव बना सकते हो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ करके, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चे जो हैं वो कितने एक्टिव हैं। क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। दूसरा, इसको बेहतर बनाने का तरीका है। दूसरा क्या होगा, आप बेसिकली सिस्टम में लेके जाएंगे, लॉजिकल होगा। और जो बड़ी ऑडियंस है, मान लो 50-100 लोग हैं, 150 लोग हैं, उनको आपको कम समय में, कम रिसोर्सेज में, आपके पास बहुत ज़्यादा संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, लेक्चर के थ्रू उनको एक साथ डील कर सकते हैं। तो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा ऑडियंस कहें या ज़्यादा लोगों तक इसकी जो रीच है वो बड़ी है, वास्ट रीच कह सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में। दूसरा क्या है, बस इतना ही रखो, इसका मेन पर्पस तो यही रहता है कि एक तो बड़े सेशंस जो होते हैं वहां ये काम में ले लिया जाता है, कम संसाधन, चीप है, चीप है ये कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं कुछ। डीमेरिट्स देख लेते हैं इसके कुछ। अटेंशन सीकिंग के लिए बीच बीच में क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके डीमेरिट या इसके कुछ नेगेटिव्स देख लेते हैं। धन्यवाद आभा। और ऑनलाइन में तो थोड़ा सा और एक चैलेंज बन जाता है, कनेक्ट करके रखना, क्योंकि पता चल रहा है बराबर में आपने गाने चलाए हुए हैं, इधर एक और लाइव चल रहा है, इधर एक और लाइव चल रहा है, और आप एक जगह पर फोकस कर पाए बड़ा मुश्किल होता है। आगे चलते हैं, मतलब मेरे लिए नहीं, मुझे मजा आता है। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड के डीमेरिट्स, मतलब इसकी नेगेटिव्स क्या हैं, इसकी खामियां क्या हैं। ऐसे हर इंसान में होते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी ऐसे ईश्वर का रूप नहीं हो सकता कि सब कुछ अच्छा ही हो। तो डीमेरिट्स में क्या है, एक तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो सकता है, ये टायरसम हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। दूसरा क्या है, ये पैसिव लर्नर्स या पैसिव लिसनिंग को ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब बच्चे एक्टिव नहीं है। तो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है, करके सीखना, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं, उसके अगेंस्ट है ये। किसके अगेंस्ट है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल के। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने के। ठीक है, बिल्कुल, ये कई लोगों को नींद आ रही है मुझे लग रहा है, तो हाँ, अगेंस्ट द लॉ ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बोरिंग या टायरसम हो सकता है अगर बहुत बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछे। टीचर सेंटर्ड है अगर देखें तो, पूरी तरह से टीचर सेंटर्ड है अगर देखा जाए तो, हालांकि आप इसको थोड़ा सा बदलाव या फेरबदल कर सकते हो। ठीक, पैसिव लिसनिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है कि मतलब एक्टिव रहने की जगह बच्चे पैसिव लिसनर बन के रह जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ तो एक साथ 700 लोग कॉमेंट में कॉमेंट कर रहे हैं। हाँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए, एनवीएस वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहा है आप लोग का। तो ये चीज़ें हुई, इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखता, सबको एक डंडे से हाँका जाता है, मतलब कि बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक वाली बात है। मतलब हम सभी अलग हैं, किसी का इंटरेस्ट किसी तरह से ज़्यादा बनता होगा, किसी का किसी तरह से ज़्यादा बनता होगा, किसी को एक्टिविटी करके मज़ा आता होगा, किसी को पिक्चर्स के थ्रू पढ़ने में मज़ा आता होगा। लेकिन अगर सिर्फ लेक्चर मेथड की बात करें, सिर्फ बोल ही बोल रहे हैं आप, तो क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रखा जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकार दिया जाएगा इस मेथड में। आगे बढ़ते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है। आप किसी भी मेथड में 4 चीज़ें इन्वॉल्व करके, जैसे अभी आपको पिक्चर्स भी देखने को मिल रही हैं, लेक्चर भी चल रहा है, बोर्ड भी है, 50 तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है जो पेपर में पूछेगा आपसे, उसका हमें ध्यान रखना है। ये भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ बेनिफिशियल है, तो जहाँ ज़्यादा लार्जर ऑडियंस हो वहाँ बेनिफिशियल है और कम संसाधन में बेहतर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो है आपका वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपने साइंस में बहुत लेट्स लर्न पर सब एक्टिव, हाँ बिल्कुल निवेदिता जी बहुत दिन बाद दिखे आप, या मैंने बहुत दिन बाद देखा। हाँ अब आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड पर। डिमॉन्स्ट्रेशन को साइंस में बहुत यूज किया जाता है। ये फोर्थ है, फिफ्थ है, फोर्थ मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि जिसको कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, प्रदर्शन विधि कह देते हैं इसको, ठीक। डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या है और किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, हाँ YouTube बिल्कुल कह सकते हैं। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, देखो एक तो साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेशन में आ जाती हैं। प्रदर्शन करता है टीचर, एक्सप्लेन भी करेगा, एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल करेगा और आपके सामने कुछ चीजों को दिखाएगा। मान लो अगर कोई सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल है तो आप सोलर सिस्टम में तो आपको लेके नहीं जाया जा सकता, तो आपको कोई वीडियो दिखा दी तो उससे क्या हुआ, आप पूरा देख पा रहे हैं, ठीक है, उससे आप देख पा रहे हैं किस तरह से सिस्टम काम करता है। आप बेसिकली एक्टिव भी हैं बच्चे, और दूसरा उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां उनको जाने से हानि हो सकती है या वो नहीं जा सकते या संसाधन नहीं है, वहां उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा सकता है ग्लोब वगैरह के थ्रू भी। तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेशन में यूज होता है। जैसे सोलर सिस्टम आप समझा सकते हैं, सोलर सिस्टम हुआ, या जल चक्र जो होता है उसको, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। वो थर्मोकोल के बहुत सारे मॉडल वाडल बना के ले जाते हैं बच्चे, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मोटर की जो वर्किंग है उसको आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि बहुत सारी चीजें टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है वीडियो के थ्रू और एक्सप्लेन भी कर सकता है साथ के साथ, ठीक है। तो इसमें हालांकि टीचर सेंटर्ड है, बच्चे रियल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे, बट हाँ फिर भी बेहतर है, ठीक। आगे बढ़ जाएंगे, फिफ्थ मेथड पर बढ़ेंगे। अब जो मेथड्स आ रहे हैं वो और भी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आंसर से लेकर ह्यूरिस्टिक से लेकर लास्ट के तीनों में प्रॉपर डिफरेंस समझेंगे और देखेंगे। लाइव क्लास में ज्यादा मन लगता है, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र। फिफ्थ ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल आपने बहुत बार देखा होगा, ट्यूटोरियल मेथड इसको हिंदी में क्या कहेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ट्यूटोरियल मतलब आप बहुत सारे ट्यूटोरियल देखते हैं, किस कुछ भी आपको सीखना हो, मान लो कोई कैमरा कैसे वर्क करता है, आपने गए आप YouTube पर ट्यूटोरियल देखा। हालांकि क्लासरूम में इसका थोड़ा सा मतलब बदल जाता है और इसको किस तरह से यूज करते हैं ट्यूटोरियल में, होमोजीनियस ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स हम जानते हैं दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो प्रकार की ग्रुपिंग है। यहाँ एक जैसे बच्चे होंगे, मतलब एक जैसी एबिलिटीज होंगी, और यहाँ कोई ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ कोई सर्कल हो सकता है, यहाँ कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज वाले बच्चे होंगे, आप इससे ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक। यहाँ सब एक जैसे मतलब लगभग एक जैसे एबिलिटी में, बिल्कुल एक जैसा तो कोई नहीं होता। तो ये एक सिचुएशन है। यहाँ अगर आपने होमोजेनियस ग्रुप्स बना दिए और आपने इंडिविजुअली भी आप अटेंशन दे पाएंगे कि अच्छा कोई सवाल दिखाना है तो आप पूरा उसको बता सकते हैं, ये ऐसे होगा। ग्रुप में एक पूरा ट्यूटोरियल दिखा सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। तो ये ग्रुप्स में काम करता है और आप पूरा एक विधि वहां पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब ही सेम होता है, तो सेम ग्रुप्स बनाए जाते हैं। हेट्रोजेनस को बहुत ज्यादा इसमें वैल्यू नहीं दी जाती। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता ट्यूटोरियल, बट फिर भी गुड टू नो स्टफ। सिक्स्थ मेथड पर चलते हैं, मैं थोड़े आप लोग के कमेंट देख लेती हूँ। हाँ, ट्यूशन टाइप। हाँ, अलग अलग ग्रुप्स में फिर टीचर डील करेगा उनसे, ठीक है। अब तो क्वालिटी ठीक होगी। लकी अरोरा, बताइए क्या किया जा सकता है आपके लिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो कोई स्पेसिफिक बात हो तो आप मेल कर सकते हैं। बाकी वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 6 पर, या कहें तो मेथड नंबर 6 पर। मेथड नंबर 6 है क्वेश्चन आंसर विधि, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स कहेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड। सिक्स्थ मेथड है आज के लिए, 10 मेथड्स को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन आंसर मेथड प्रश्नोत्तर विधि जिसको दिया था, जिसको सोक्रेटियन मेथड भी कहा जाता है, मतलब सुकरात ने दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें सोक्रेट्स ने दिया था इसको, सुकरात ने। इनका नाम याद रखना जरूरी है, पूछ लेता है कई बार, ठीक है। सुकरात कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे, यूनानी दार्शनिक कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे अंदर, हमारी स्पिरिट में है नॉलेज, उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम बाहर निकलते हैं, उसको हम बेहतर इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को या जो भी साथ में है। इसमें क्या होता है, दोनों सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, जो आपका टीचर है वो भी और जो लर्नर है वो भी, एक एक्टिव लर्निंग हो रही है कहीं ना कहीं। हालांकि ये भी टीचर सेंटर्ड है, आपके क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरह से पुट किया आपने, कितनी फ्रीडम दी बच्चे को जवाब देने की, अपने विचार व्यक्त करने की, ये टीचर पर ज़्यादा, टीचर सेंटर्ड ज़्यादा है। आइडियलिज्म से बिलोंग करते थे सॉक्रेट्स, तो जो आदर्शवादी लोग हैं वो वैसे भी मतलब एक आइडियल ही बना करके चलते हैं, एक्टिव लर्निंग को या कहूँ तो टीचर चाइल्ड सेंटर्ड को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन आंसर मेथड या प्रश्नोत्तर विधि, इसमें क्या होता है, कुछ एक टॉपिक हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किए जाएंगे, बफरिंग, अभी ठीक चला होगा आई थिंक, नो बफरिंग, कई लोग लिख रहे हैं बफरिंग, एक बार बताओ अगर ठीक से चल रहा है, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया रिजू मिश्रा, हाँ अभी नहीं हो रहा होगा बफरिंग, अभी ठीक है, कोई बात नहीं है, बीच में बफर कर गया, खैर कोई बात नहीं। हाँ सब कुछ ओके है तो एक बार क्लियर लिखो या यस लिख दो, पता लग जाएगा। वैसे यहाँ से अब कुछ सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्रेट्स ने दिया, सुकरात ने, यूनानी फिलोसोफर मतलब दार्शनिक थे ग्रीक, इन्होंने कहा हमारे अंदर एक स्पिरिट है नॉलेज की, उसको बाहर निकाला जा सकता है क्वेश्चंस के थ्रू। टीचर और स्टूडेंट दोनों सीखते हैं इसमें, क्वेश्चनिंग में, और बेहतर कुछ थॉट को जो प्रोवोक करे उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और मौका दिया जा सकता है बच्चों को समझने का, सोचने का, और इसमें बेसिकली उसके जो भाव हैं, सहजता है बच्चे की, वो भी निकल करके आएगी। और टीचर स्टूडेंट दोनों सीख रहे हैं, तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इसको दिया था सोक्रेट्स ने। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुट होता है। क्वेश्चन 7th मैथड पर बढ़ेंगे। 7th मैथड जो है, 7th मैथड कहता है कि भाई डिस्कशन मैथड के बारे में थोड़ा बता दो। डिस्कशन मैथड के बारे में परिचर्चा विधि कहेंगे जिसको, डिस्कशन मेथड, परिचर्चा कह सकते हैं, परिचर्चा ही कहेंगे। हाँ बहुत दिन हो गया हिंदी से ऐसे आजकल वास्ता रहा नहीं है, बहुत गलत बात है। परिचर्चा विधि, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक्टिव लर्निंग होगी, पर्टिकुलर कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान में रखना क्या जरूरी है, यहाँ पे डिस्कशन होगा, बच्चे भी एक्टिव हैं, और ऐसा भी हो सकता है टीचर और बच्चों के बीच में डिस्कशन हो, टॉलरेंस डेवलप हो। हाँ हाँ अभी ओके हो गया होगा, एकदम चल गया तो बताओ, खेल करता रहता है इंटरनेट। फिर से अभी बफरिंग नहीं होगी, अभी तो चीजें ठीक चल रही हैं, ऑल वेल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर इसी के साथ, एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेती हूँ। हाँ चल जा भाई, हाँ क्लियर है। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछेंगे, किसी ने पूछा क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन आंसर में जो पूछने वाला था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या दोनों भी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन किया जा रहा है, आंसर किया जा रहा है, एक बीच में डिस्कशन भी शामिल है। लेकिन डिस्कशन मेथड में क्या होगा, एक तरह से डिबेट की तरफ हम इसको लेके जा सकते हैं। इस जीवन में तो चलेगा नहीं है, ठीक है अभी हाँ डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कशन विधि या डिबेट कह सकते हैं जिसको हम, यहाँ पे डिस्कशन होता है प्रॉपर, चाहे टीचर बच्चे के साथ कोई टॉपिक दे, उसको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे और उसके साथ डिस्कशन करे, या बच्चे आपस में डिस्कशन करें ग्रुप बना करके। तो यहाँ क्या होगा, बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, एक तरह से इनकलकेट होती है। आप जाते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन वगैरह में तो ये वही है। इसके अलावा अगर हम बात करें लीडरशिप के अलावा और क्या होगा, टॉलरेंस। ये जो हम बिल्कुल भी हमारे अंदर टॉलरेंस आजकल बच नहीं रही है। और हाँ, तो टॉलरेंस मतलब हम एक तरह से सहिष्णु बनते हैं भाई, दूसरे का जो पर्सपेक्टिव है उसको सुनने के हम काबिल बन पाते हैं। ऐसा ना हो किसी ने कुछ भी कहा, अपने विचार व्यक्त किए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और सामने से कमेंट आ रहे हैं दबा के कि यार आपको नहीं पता, हम मतलब सुन ही ना पाए, इतने इनटॉलरेंट हैं हम कि किसी और का पर्सपेक्टिव हम सुन नहीं सकते। तो यहाँ उस चीज का क्या होता है, एक तरह से डेवलपमेंट होता है कि आप एकदम बौखला नहीं जा रहे हैं किसी की भी बात सुन करके, दूसरे का पर्सपेक्टिव सुन के आप अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं जो आपकी समझ है। ठीक है, तो इसको टॉलरेंस भी यहाँ पर डेवलप होती है। थॉट प्रोसेस, रीजन अच्छा होगा, बच्चे का तर्क बेहतर होगा। अभी तो ठीक चल रहा है, देखो अब कुछ कहा जा सकता, अभी ठीक है सब कुछ। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पर। एक बार रिफ्रेश कर लो अगर बफरिंग फील हो रही है तो, यहां से अब बफरिंग नहीं है। नेक्स्ट मेथड पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। अगर चल रहा है तो बताओ, अगर नहीं चल रहा तो भी बताओ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अब तीन जो मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो थ्री मेथड्स हैं अगर वो मिस हुए तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ तब आगे बढ़ेंगे। थैंक गॉड। हाँ, ह्यूरिस्टिक, डिस्कवरी और प्रोजेक्ट मेथड, वापस आ जाते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। चल रहा है बहुत बढ़िया। देखो एक तरफ तो ह्यूरिस्टिक हो गया जिसको एट्थ मेथड कहेंगे आज के लिए, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको हम परियोजना विधि, सॉरी अन्वेषण विधि भी कह देते हैं, अन्वेषण, व्हाट द हेल, ठीक है भाई याद नहीं आ रहा अन्वेषण कैसे लिखते थे, अन्वेषण, ठीक है मान लेते हैं अन्वेषण ऐसे लिखते थे, ह्यूरिस्टिक मेथड। दूसरा है प्रोजेक्ट मेथड और तीसरा है डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी जिसको खोज विधि कह देते हैं, इसको परियोजना विधि कह देते हैं, परियोजना। ठीक है, अब इनके साथ कुछ नाम भी याद रख लेना, नाम याद रख लेना, बहुत बढ़िया जितने भी लोग दे रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन नाम से पूछ लिया जाता है। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसको दिया था, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिख पा रहा होगा, हाँ, ह्यूरिस्टिक मेथड को दिया था H E आर्मस्ट्रॉन्ग ने, H E आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं प्रोजेक्ट मेथड की तो इसको W H किलपैट्रिक ने दिया था। यहाँ हम कोई पर्टिकुलर नाम लेकर के चलते नहीं है, ऐसे काम चल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर बेस्ड है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है जॉन डूई का, उस पर बेस्ड है, या प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है फिलोसॉफी का उस पर बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक है इनका नाम। और अब यहाँ पे तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों ही चाइल्ड, एक बार बताओ अगर चल पा रहा है तो, अटक गया है यहाँ तो। इस जीवन में तो ये ना चल पाएगा आज। हाँ चल पा रहा है तो बताओ एक बार। ऑसबर्न का मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो इनको नाम में कंफ्यूजन नहीं करनी है, फ्री के नंबर है नाम में तो। ठीक है, नहीं आज तो ये पूरे 10 मेथड्स करके ही जाएंगे, इंटरनेट के अनुसार कभी कभी चल सकते हैं, बट अभी तो चला सकते हैं इसको हम अपने अनुसार। यहाँ से तो ठीक ही है सब कुछ। हाँ, ऑल ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पेशेंस के लिए। डिस्कवरी मेथड, ठीक है, फटाफट से खत्म करते हैं तीनों को। देखो तीनों ही क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड हैं, ये हम ध्यान रखेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड हैं, मतलब बाल केंद्रित विधि हैं तीनों ही, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग को पूरा ध्यान में रखते हैं ये तीनों ही मेथड, ठीक। हाँ, हेल्प के लिए भी रखेंगे यार, कोई मिले तो रखा भी जाए, आसानी से लोग कहाँ मिलते हैं। चल जा भाई, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ह्यूरिस्टिक H E आर्मस्ट्रॉन्ग, W H किलपैट्रिक का है प्रोजेक्ट मेथड, और डिस्कवरी के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को श्रेय नहीं देते, बट हाँ हिंदी में बोल दिया मैंने, ये खोज विधि है, ये परियोजना विधि, ये अन्वेषण। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता है, बच्चों को फ्रीडम दी जाती है, उनके सामने एक प्रॉब्लम पोज की जाती है, और प्रॉब्लम पोज की जाएगी, समस्या मतलब कि प्रॉब्लम पोजिंग होगी। देन क्या होगा, वो सबसे पहले यहां क्या होता है, जो उसकी अक्रेंस है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड में हम पहले से सोचते हैं, है ना, जिसको हम परिकल्पना कहते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है यहाँ, हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस का यहाँ इस्तेमाल होता है पहले, उसके बाद आप कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। मतलब अगर आपको ये कह दिया गया कि मान लीजिए सीटेट में क्यों फेल हो रहे हैं लोग, ठीक है, तो आप क्यों फेल हो रहे हैं से सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइपोथेसाइज करेंगे अपने दिमाग में कि हो सकता है कि टफ हो पेपर, या हो सकता है कि लोग सही तरीके से प्रिपरेशन ना कर रहे हों, हो सकता है सही गाइडेंस ना मिल रही हो सकता है कि इसकी जो एक पूरी एक सिस्टम है एग्जाम का, जो साइकोलॉजी है, उसको ना समझ पा रहे हों, मार्केट में अच्छी किताबें अवेलेबल ना हों, अच्छे टीचर अवेलेबल ना हों। इतने सारी आपने क्या की, ये हाइपोथेसिस परिकल्पना लगा देंगे, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल रीजन, ये पॉसिबल रीजन। अब इसमें से आप इसको बाद में प्रूव करेंगे और सही चीज तक पहुंचेंगे। ऐसे ही साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स में हो सकता है, और ये प्रेजेंट प्रॉब्लम को लेकर होता है, ये हम ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट प्रॉब्लम को लेकर के ये होगा, जो वर्तमान की समस्या है कोई, उसको सुलझाने के लिए। और ये इमेजिनरी भी हो सकती है प्रॉब्लम, जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल हो, ठीक। तो एक तो यही बात हुई। दूसरा क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में ग्रुप वर्क होता है, ये ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट में हमेशा ग्रुप वर्क होगा, 4 से 5 का हो सकता है। तो ग्रुप वर्क मतलब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, सिर्फ एक बच्चा अकेला काम नहीं करेगा इसमें अकेला भी कर सकता है और ग्रुप में भी। तो ये ग्रुप वर्क होगा प्रोजेक्ट मेथड, और इसमें जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो बेसिकली समाज के लिए भी हेल्पफुल हो चीजें, मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चे ने ही कोई खोज की है, वो समाज के लिए भी हेल्पफुल हो। मान लो बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हो रहा है, तो आपने एक प्रोजेक्ट चलाया 4 बच्चों का, 5 बच्चों के ग्रुप बना करके, और उस तरह से आपने समाज में उनको भेजा, वो गए वहां पर, या इस तरह से उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, समाज के लिए भी और खुद के लिए भी। फिर क्या है, डिस्कवरी। डिस्कवरी में क्या है, खोज होगी किसी एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक को लेकर के, सोशल साइंसेस से जुड़ा हो, या तो बफरिंग। एक बार बताओ अगर चल गया हो तो, लास्ट ही टॉपिक है ये, अब लास्ट बात पे अटके हुए हैं हम लोग, कंटिन्यू। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे मन करता है ना कभी अंदर से इच्छा हुई है ऐसे गालियाँ निकालने की, तो खैर छोड़ो। ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड में मतलब इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है बच्चा, आप प्रॉब्लम पोज करते हैं, वो उसकी हाइपोथेसिस बनाएगा और तब काम करेगा। इमेजिनरी भी हो सकती है प्रॉब्लम, W H किलपैट्रिक वाले में कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रियल प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ पे ग्रुप में काम करेंगे बच्चे। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड है, बच्चे एक्टिव होते हैं तीनों ही मेथड में। सोशल साइंसेस के लिए पास्ट का कोई चीज हो सकती है जिसपे उनको एक डिस्कवर करने के लिए कह दिया जाए। तो ये मेन यहाँ पे क्या कहें, एक तरह से इनकी मेन चीजें थी जिनको हमने डिस्कस किया है। अब तो चल गया होगा, एक बार बताओ अगर चल गया है तो, एक बार फिर भी चेक कर लेती हूँ। अरे बड़ी दिक्कत है, कई बार तो बहुत इरिटेट कर देता है, पता नहीं, और आज ही वो चेंज किया, मतलब ब्राउटर ना। हाँ अभी ठीक है, तो बताओ ये मेन सारी चीजें थी आज के लिए। ह्यूरिस्टिक मेथड को पोलन एंड डंकर, इसको मैं यहां से हटा ही देती हूँ। पोलन एंड डंकर ने, Polon and Dunker called it what? प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा है पॉलन एंड डंकर ने, किसको? ह्यूरिस्टिक मेथड को। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लॉजिकल इमेजिनेटिव थिंकिंग लगती है, ट्रायल एंड एरर भी लग सकता है थॉर्नडाइक का। क्यों? क्योंकि यहाँ हो सकता है एक हाइपोथेसिस बनाई बच्चे ने और वो गलत हो गई, फेल हो गई, नहीं था वो सही रीजन, तो उस चक्कर में यहाँ पे ट्रायल एंड एरर भी काम करता है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ऑब्वियसली है ही, और ये मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो यहाँ काम करेंगी। ठीक है, इमेजिनेशन ऑब्वियसली काम करेगी बच्चे की, थिंकिंग रीजनिंग लगेगी। तो ये थी आज की कहानी। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड एग्जाम्स में, और एक परसों वाला जो सेशन होगा वन लाइनर का सेशन होगा, उसमें जितने भी मेथड है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। कल कुछ 10-15 मेथड और बचते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आप लोग के थोड़े कॉमेंट ले लेती हूँ, आप लोगों ने काफी पेशेंस बना के रखा। बिल्कुल मोना शुक्ला, देखो अप्रोच कोई भी हो सकती है जिसको आपने अपना लिया, मेथड तो प्रॉपर प्रूवन होगा। ठीक है, टेक्निक भी छोटा रूप कह सकते हो आप, मेथड से छोटा एक तरीका कह सकते हो, बट मोर अप्रूव्ड और मोर सिस्टमैटिक होगी देन अप्रोच। अप्रोच एक सिंपल कोई भी तरीका उठा करके आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं चीज को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन जिसकी हम बात करते हैं। शायद दिसंबर में देखने को मिले, तैयारी शुरू कर दीजिए। कल मिलते हैं बाकी के कुछ 13 मेथड्स के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जिनको कल डिस्कस करेंगे, एनालिसिस, सिंथेसिस, इस तरह के जो मेथड्स हैं उनको कल डिस्कस करेंगे। मेथड सारे बेस्ट हैं, आपकी क्लास, बच्चे का क्या लेवल है, आपकी क्या एबिलिटी है, आप किस मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस समय पे, सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मेथड सभी बेस्ट होते हैं, बस आपको तरीका, अपनी अप्रोच में चेंज लाने की जरूरत है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है। तो आप इंडिविजुअल डिफरेंस उसको ध्यान में रखेंगे तो जो मेथड चाहे अपना सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। पीजीटी के लिए तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लास होगी। अब ये टीचिंग एप्टीट्यूड में सभी के लिए कॉमन। हाँ, 2 बार होता है सीटेट, बिल्कुल हुसैन चौधरी। ये लेट्स लर्न स्क्वाड आपके सामने लिखा हुआ है, LETS LEARN SQUAD। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको आसानी से लेट्स लर्न का जो एक चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और सारी पीडीएफ वहाँ हैं। वो कोई बात करने वाला चैनल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पीडीएफ डाली जाती है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है। ठीक है, बुक हिंदी में आर गुप्ता की मिल जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो जो पतली सी मैंने आपको बताई हुई है। हाँ, नेट ने परेशान कर दिया नेहा, बिल्कुल कोई बात नहीं। ये थोड़ा बारिश का समय है और पता नहीं क्या एक कौन सी शनिदेव की कृपा है इस पर, हालांकि मैं मानती नहीं हूँ ये सब, बट मजाक कर रही हूँ। सीरियल देखने का कुछ तो कभी पुराने समय से कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल चलेगा यूट्यूब, बिल्कुल। ये खुशी के लिए, आप लोगों तक एक कुछ पहुंचाने के लिए ये चलता रहेगा पूरे, जब तक भी पॉसिबल होगा, हमेशा ही चलेगा जहाँ तक है, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, 3rd सेमेस्टर में दे सकते हो, दे दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। सीटेट यू एक्सप्लेन ऑल मेथड्स, धन्यवाद प्रगति, बाय माय फ्रेंड, सभी को बाय भाई, गुड नाइट। टेल अबाउट आरोही स्कूल वैकेंसी सिलेबस। आरोही कौन सा स्कूल है पता नहीं यार, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आर्मी पब्लिक या अभी जो एटॉमिक के निकले थे, ये आरोही का तो नहीं पता मुझे। डोंट वरी, ओके। चलिए फिर, सीटेट 2 बार होना चाहिए, 2 बार होता है टेक्निकली साल में, 3rd सेमेस्टर में दे सकते हो। दीपक शर्मा, कौन सा पब्लिकेशन है? पब्लिकेशन है पाथफाइंडर्स, पाथफाइंडर्स पब्लिकेशन है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे मनोविज्ञान बाय दीपक शर्मा तो मिल जाएगा, ये पाथफाइंडर्स पब्लिकेशन करके है। नाइस सेशन, धन्यवाद। चलिए, कल मिलते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है इसका उसको डिस्कस करेंगे, और ये सेशन इंपॉर्टेंट ही रहेगा। 3 बजे मिलेगा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी डेली इंग्लिश डोज, 5 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड, और 9 बजे यही सेशन। इसको बेहतर करते जाएंगे, अभी इंटरनेट इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, शुरुआत में दिक्कत होती ही है, ये एकदम ठीक हो जाएगा कुछ ही टाइम में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।